नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम बात करते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्स लुकअप और वी लुकअप की कंपेयरिंग वीडियो सीरीज के बारे में, जहां पे हम कई सारे एग्जाम्पल से बात करते हैं कि वी लुकअप और एक्स लुकअप में क्या डिफरेंस है, वहां पे कौन बेनिफिट्स देता है। इस सीरीज की पूरी वीडियोज आपको चाहिए तो प्लीज मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें। मेरा मोबाइल ऐप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, जहां पे सारे प्रैक्टिस फाइल और सारे के सारे वीडियो सीक्वेंस में आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Recording in progress. तो हमने चौथी और पांचवी एग्जाम्पल में दो चीजें की थी कि एक तो हमने चौथे एग्जाम्पल में बताया था कि अगर मान लीजिए कि वी लुकअप लगाते हैं तो इस तरह से हम अपना रेफरेंस सेट कर सकते हैं कि भाई मुझे कौन कौन कॉलम चाहिए। पर प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे कॉलम सीक्वेंस में नहीं चाहिए होती, से मुझे यहाँ पर नेम चाहिए और सैलरी चाहिए, बीच में लास्ट नेम को मैंने गैप किया। तो ऐसे केसेस में हम वी लुकअप के साथ यहाँ पे अपना एरे डाल सकते हैं, उस एरे के हिसाब से डेटा आएगा। बट एक्स लुकअप के अंदर में ऐसा हम नहीं कर सकते, हमें सिक्वेंसली ही डालना पड़ेगा। तो तरीका क्या है इसके लिए, हमने एग्जाम्पल 5 पे एक चीज की थी, चलिए मैं उसको दोबारा करके दिखाता हूं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास हेडिंग है कि ये हमारी क्वालिटी है और ये मेरे कैटेगरी है। तो मुझे कॉटन कैटेगरी की S1 क्वालिटी का डेटा चाहिए, रेट चाहिए। तो इसके लिए हमको वी लुकअप लगाया, तो वी लुकअप के साथ हम मैच लगा लेते हैं। बट हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि वी लुकअप के साथ हम एक्स लुकअप का भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए एक बार और बताता हूं मैं। तो यहाँ पे हमने लगाया फॉर्मूला एक्स लुकअप का, और एक्स लुकअप में हमने लिया अपना लुकअप वैल्यू जो कॉटन है, और यहाँ पे आता है लुकअप एरे। अब लुकअप एरे में कभी भी A1 से सिलेक्ट मत कीजिए, बस जिसमें हेडिंग है उस हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करना है, मतलब कि मुझे यहां से सिलेक्ट करना है A2 से लेके A4 तक। और फिर यहाँ पे रिटर्न एरे में मैं एक और एक्स लुकअप लगाऊंगा, और इस एक्स लुकअप में मैं S1 को सिलेक्ट करूंगा, और लुकअप एरे ने मैं A1 से S2 को सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पे A1 को अभी भी सिलेक्ट नहीं किया हूं, और रिजल्ट में मैं पूरी अपनी डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो आप देखेंगे रिटर्न आ गया। अब कैसे आया, इसको समझने के लिए आपको फॉर्मूला बार के अंदर फॉर्मूला एवलेट करना पड़ेगा, एवलेट फॉर्मूला। अब एक एक करके कीजिए एवलेट, देखिए कॉटन को लुकअप किया, यहाँ देखिए इसको लुकअप किया, तो जो दूसरा भी लुकअप है इसने इस S1 का क्या दे दिया, रेफरेंस, मतलब कि D2 से लेके D4, देखिए D2 से लेके D4। अब पहले वाले एक्स लुकअप को कॉटन को मैच करना है A2 से A4 में, और रिजल्ट देना है D2 से D4 में, ये आपको रिजल्ट दे देता है। देखिए क्या हम यहाँ इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल मैंने यूज किया है, आप कर सकते हैं। चलिए आपके सामने यूज करके दिखाता हूँ, बट ये एरे फॉर्मेट में नहीं होगा, हम एक करके ड्रैग कर सकते हैं बट एरे फॉर्मेट में नहीं होगा। हमने दिया यहाँ पे एक्स लुकअप, एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू 1014 है, और मैं इस बार जो सिलेक्शन करूंगा वो मैं इम्प्लॉय आईडी को ना सेलेक्ट करके नीचे से करूंगा, और पूरा कॉलम तो कतई सिलेक्ट नहीं करना है। अब आता है रिटर्न में, तो रिटर्न में हम एक और एक्स लुकअप लगाएंगे, और इस एक्स लुकअप में हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट नेम को, और इसको सर्च करेंगे यहां पे। और रिटर्न एरे में ये जो पूरा डेटा है, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करके हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए रिजल्ट आ गया। अब इसको आगे ड्रैग करने के लिए मुझे फ्रीज करना है, मुझे F1 का F फ्रीज करना है, मुझे इसको फ्रीज करना है F4 से, फिर मुझे एक्स लुकअप में G11 का 11 फ्रीज करना है, फिर B4 से B4 को फ्रीज करना है, और इसको भी फ्रीज करना है।
और यहां पे इसको एंटर मारिए और ड्रैग कर दीजिए। बट आप सोचेंगे कि मैं यहां पे एक काम कर दूं, क्या कर दूं कि मैं ए जो है सैलरी इसको पूरा ले लेता हूं, एंटर मारता हूं, एरर आएगा। क्या मैं इसको एरे लेके चलूं तो कंट्रोल सिर्फ एंटर करोगे तो रिजल्ट आएगा। तो एरे देंगे लेकिन आपको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना हो। अब इस वीडियो को देख लेने से आप सीख नहीं चाहिएगा, इसकी प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड कीजिए और खुद से करने की कोशिश करें। और किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल करें, मेरा नंबर स्क्रीन पे है। हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी चलती है तो वो भी आप ले सकते हैं। Recording stopped. और प्लीज मेरा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको लाइव क्लास लेना है तो स्क्रीन पे नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप अपना प्यार मुझे दिखाना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।